के मंडल प्रभारी प्रदीप चौहान ने जानकारी दी कि उनकी मांगों को लेकर के कंपनी और सरकार के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत कोई मांग आज तक पूरी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि हमारी मांगों को ग्रेच्युटी और समय पर वेतन देने की थी, साथ ही साथ पीएफ में गड़बड़ियों को दूर करने की मांग भी थी, लेकिन आज तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई जिसको लेकर के संगठन आगामी 2 नवंबर को एम्बुलेंस सेवा ठप कर लखनऊ के इको गार्डन में हड़ताल प्रदर्शन करेगा। कंपनी और सरकार के बीच हमारा जो लेबर कोर्ट में समझौता हुआ था उसमें कोई भी मांग मानी नहीं गई है, ना ही हमारी ग्रेच्युटी दी गई है, ना ही समय से हमें वेतन मिलता है। पीएफ में कुछ गड़बड़ियां भी की गई हैं जिसके कारण हमें मानदेय समय से नहीं मिल रहा है, ना ही हमारा मानदेय जो मिनिमम मानदेय है न वो मिल रहा है। इस कारण हम अपना प्रदेश व्यापी धरना, हमारा इको गार्डन लखनऊ में है।